हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फोर सीजन्स इन वन कैनवास। सो लेट्स बिगिन। पहले मैंने स्टार्ट किया है समर सीजन के साथ। उसमें मैंने पहले प्रूशन ब्लू और टाइटेनियम वाइट का इस्तेमाल किया है, फिर उसे मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से। अभी मैंने टाइटेनियम वाइट का इस्तेमाल किया है इसमें पानी का इफ़ेक्ट देने के लिए। थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर रही हूँ उसमें। आगे मैंने येलो ऑकर और टाइटेनियम वाइट का इस्तेमाल किया है सैंड का इफ़ेक्ट देने के लिए। अभी फिर से ब्लेंड करेंगे इसे। अब मैंने टाइटेनियम वाइट का इस्तेमाल किया है और एक फैन ब्रश लिया है वेव्स दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं अब चेयर बना रही हूँ और इसमें मैंने अभी टाइटेनियम वाइट से उसका आउटलाइन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अब ग्रे कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ चेयर के पीछे की साइड पे, थोड़ा सा शैडो दिखाने के लिए। आप इस्तेमाल ब्लैक भी कर सकते हैं शैडोज़ के लिए। अब मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा ग्रे और ब्लू कलर। आप स्काई ब्लू उसमें मिक्स करके, ग्रे में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा टेक्सचर इफ़ेक्ट लाने के लिए।
अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ शेडोज दिखाने के लिए, उसमें डेप्थ दिखाने के लिए। अब यहाँ हम ऐड करेंगे हैट को, और इसके लिए हमें ऑकर येलो और कैडमियम येलो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट इस्तेमाल कीजिए हाईलाइट के लिए। कर रही हूँ रेड कलर हैट के ऊपर के जो स्कार्फ का पार्ट है उसको दिखाने के लिए। आप इसमें फिर से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे रेड कलर पसंद था इसमें इसलिए मैंने किया। आप चाहे तो येलो, ब्लू, ग्रीन, जो कलर लेना चाहो ले सकते। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑटम सीजन के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है कैडमियम येलो कलर, एंड अभी इसी के साथ आगे मैं ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल करूँगी, और फिर इसे हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पर ट्री दिखाएंगे, और ट्री के लिए मैंने बर्नट अंबर का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा ब्लैक उसमें मिक्स किया है, और बस उसकी ब्रांचेस अभी दिखाएंगे। अब मैं यहाँ फेंस बना रही हूँ, बर्नट अंबर ही कलर लिया है और ब्लैक कलर भी मिक्स करूँगी उसमें थोड़ा, ताकि वो थोड़ा डार्क दिखे और अच्छा भी इफ़ेक्ट आए।
अब यहाँ मैं ईयरबड्स का इस्तेमाल करूँगी और लीफ का इफेक्ट देने के लिए, और उसमें मैंने रेड कलर और कैडमियम येलो कलर का इस्तेमाल किया है। दे रही हूँ अब पीछे से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सी ट्रीज दिखा रही हूँ ताकि वो और भी अच्छा लगे। अब मैं यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करूँगी। मेरे फाइन ब्रश से मैंने यहाँ पे येलो ऐसे डॉट्स बनाना स्टार्ट किए ताकि उसमें थोड़ा और टेक्सचर आ जाए और पेंटिंग अच्छी लगे। अब मैं यहाँ पे एक स्विंग बनाने वाली हूँ और उसके लिए मैंने अब स्टार्ट किया है ब्लैक कलर से ये झूला बना दिया है। उस पे वाइट कलर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट दिया है झूले को। स्टार्ट करेंगे रेनी सीजन के साथ। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है ओशन ब्लू कलर, ब्लैक और वाइट कलर। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एज यू नो रेनी का कलर हमेशा ऐसे ब्लैक ग्रेइश कलर रहता है, तो उसमें थोड़ा ब्लू का इफेक्ट आना ज़रूरी है।
सिर्फ ग्रे इस्तेमाल करने से वो इफ़ेक्ट या वो पेंटिंग में जो टेक्सचर आना चाहिए वो कभी नहीं आएगा। तो उसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा ब्लू कलर इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से उसे ब्लेंड कीजिए। ग्रास दिखाएंगे, उसके लिए मैंने सैप ग्रीन इस्तेमाल किया है और आगे मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़ा सा कैडमियम येलो और सैप ग्रीन को मिक्स करके ग्रास इफेक्ट के लिए। अब मैं यहाँ पर ट्री दिखा रही हूँ। ट्री के लिए मैंने इस्तेमाल किया है बर्नट अंबर। मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक लड़की जो झूले पे बैठती है। स्किन कलर इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कीजिए ऑरेंज, ऑकर येलो और टाइटेनियम वाइट कलर। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ उसका रेड कलर का गाउन। अब मैं यहाँ पे उसका दूसरा हाथ बना रही हूँ। अब हम बनाएंगे उसके बाल। उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है ब्लैक कलर और आगे थोड़ा सा मैंने वाइट कलर से उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि बारिश गिर रही है, उसके बाल गीले हो गए हैं और उसका जो ड्रेस है वो भी गीला हो गया है। इसलिए आप उसे वो इफ़ेक्ट लाने के लिए आपको थोड़ा सा वाइट का इस्तेमाल आगे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रेन का इफ़ेक्ट डालूँगी, उसके लिए मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आप हल्के हाथ से ब्रश को पकड़िए और
ब्रेन का रिसेट व्हाइट कलर से दीजिए। चलते हैं हमारे चौथे सीजन के साथ, वो है विंटर। इसमें मैंने प्रूशियन ब्लू का इस्तेमाल किया है और आगे मैं टाइटेनियम वाइट का भी इस्तेमाल करूंगी। हम ब्रश को इस तरीके से टैप करते हुए स्नोफॉल दिखाएंगे और बड़े बड़े डॉट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें फाइन ब्रश लगेगा। आप चाहे तो जेली पेंस यूज कर सकते हैं। अब हम मून बनाएंगे। अब मैंने टाइटेनियम वाइट का इस्तेमाल करते हुए स्नो इफ़ेक्ट लाने के लिए नीचे मैंने फ्लैट ब्रश लेकर ऐसे छोटे छोटे रॉक्स पे स्नो गिरा है वैसे दिखाया है, तो पूरा स्नो से लैंड भरा हुआ है, नीचे रास्ते पे गिरा हुआ है स्नो। यहाँ पर अब मैं एक ट्री बना रही हूँ। मैंने इसके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है और आप ऐसे लंबे लंबे ब्रांचेस बनाइए। यहाँ पे एक झूला बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया
स्नो का इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे फाइन ब्रश से वाइट कलर टैप कर रही हूँ, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बना रही हूँ ट्रीज के ऊपर, थोड़ा सा झूले के ऊपर भी टेक्सचर दे रही हूँ स्नो का। ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन आपका फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।